खरगोन शहर में डायवर्सन रोड निर्माण आमजन की सुविधा के बजाय मुसीबत बन रहा है। यहाँ निर्माण एजेंसी एवं जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। बावड़ी बस स्टैंड से गायत्री मंदिर तक सिंगल पट्टी डांबर रोड बनाया गया है, जिसमें कई हिस्सों का निर्माण छोड़े जाने से लोग अनियंत्रित हो रहे हैं। रविवार को ही बावड़ी बस स्टैंड के समीप एक वाहन चालक गिरकर घायल हो गया। क्षेत्र में दुकानदार मनोज बाचे ने बताया कि करीब 4 साल से शहर की सड़कें अमृत योजना के तहत खोदी जा रही थी, अब कहीं जाकर उसमें सुधार की दिशा में शुरू हुआ है काम, लेकिन इसमें भी कई लापरवाही बरती जा रही है, वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। सड़क अधूरी छोड़े जाने से गड्ढे एवं फिसलन की स्थिति बन गई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। से अस्पताल से आ रहा था विजयलक्ष्मी से, विजयलक्ष्मी के बाद मेरे रिश्तेदार, मेरी बुआ जी का लड़का यहाँ पर अपेंडिक्स हो गया था, वहाँ देखने गया था, तो जा रहा था घर धामगढ़ा कॉलोनी में रहता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाबू हूँ सर। कैसे गिरे? ब्रेक मारा हुआ फिसल गई गाड़ी मेरी सर, अनबैलेंस हो गया। अच्छा हुआ कि कोई सामने से गाड़ी नहीं आई, कुछ भी हो सकता था सर, आज मेरे साथ है, किसी और के साथ भी हो जाए वो कल। कहाँ चोट लगी आप? मेरे को हाथ में लगी है, यहाँ पर पैर में भी लगी है, यहाँ पर ब्लड निकल रहा है और हाथ में ही है, यहाँ पर लगी है। क्या रोड की समस्या को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? रोड की समस्या ये कि सर ये काम पूरा अधूरा है, जो जो भी ठेकेदार का वो पूरा करे सर, और आज मेरे साथ है, किसी और के साथ ना हो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार कनौजी सर। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है रोड का, और जिसमें कि बहुत बुरी तरह से लोग गिर रहे हैं, आधा अधूरा रोड बना हुआ है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को भी इसके बारे में शिकायत कर चुका हूं, पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और रोज एक दो एक्सीडेंट रोज होते हैं, लोग अपना हाथ पाँव तोड़ रहे हैं, कोई कुछ क्या अधूरा काम छोड़ दिया। हाँ, क्या गाड़ी हो रही? जल्द से ध्यान देना चाहिए और प्रोजेक्टों को पूरा करना चाहिए, शहरी क्षेत्र है, नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम लिखते? मनोज बाटे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।